सर गाइस, कैसे आप सभी लोग? आप सबका स्वागत है मेरे कैनाल में। अरे सिंचैन, उसे कैनाल नहीं, चैनल बोलते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है भैया, है तो एक ही बात ना। अरे सिंचैन, एक बात कैसे है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ऐसा भी है क्या? अरे ऐसा मत करना, आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कैनाल नहीं है ये। हाँ सिंचैन, ये हुई ना बात। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। चलो फ्रैंकलिन भैया को उठाते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, भैया तो है ही नहीं। ओ भैया को किसी ने शायद किडनैप कर लिया। अबे सिंचैन यार, तू कैसी बातें करता है? तू ऊपर के साइड आ, मैं ऊपर हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था फ्रैंकलिन भैया। हाँ हाँ, हो गया ना तेरा मजाक, चल ऊपर आ जाओ, ऊपर ही हूँ मैं। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, बस आ रहा हूँ मैं। मैं तो जाऊंगा फ्रैंकलिन भैया के पास। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। अरे मार दिया गंदा सा गेट, यहाँ से निकलूंगा और भैया के पास जाऊंगा। भागो भागो भैया के पास भागो, भागो भागो भैया के पास भागो। ये तो ऊपर लटके हुए हैं फ्रैंकलिन भैया, लगता है ये मर गए हैं। अरे सिंचैन, तू हमेशा मेरे साथ क्यों करता है? तेरे को मैं ही मिलता हूँ क्या मजाक करने के लिए? सॉरी भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। चल कोई नहीं, तू बता तेरे को क्या काम है। वो तो भैया, आज मैं बोर हो रहा था तो क्या करूँ मैं आज। अरे तो सिंचैन, तू जाकर टीवी देख ले ना, कार्टून देख ले अपना एक्शन का मैन। वो तो मैंने पहले से ही सोच रखा था। यार तू मेरी हमेशा बेइज्जती क्यों करता है? मुझे बहुत मजा आता है। अरे किसी का फोन आ रहा है, देखता हूँ किसका है। ये तो किसी लड़की का फोन है। हेलो गर्ल, मेरा नाम सिंचैन नोहरा है और मैं 5 साल का बच्चा हूँ और मुझे एक्शन कामिन बहुत पसंद है। मैं शिमला मिर्च नहीं खाता हूँ। हे बच्चे, मैं वो लड़की नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ लॉस एंड्रोस में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए अपने बचाव के लिए तैयार रहो, आसमान से कुछ गोले गिरने वाले जिनमें बहुत ही आग होगी। फ्रैंकलिन भैया कहाँ हूँ आप, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज मुझे बचा लेना भैया, लॉस सेंटर्स में मर जाऊंगा मैं। यहाँ मेरे को फोन आया है किसी का, पता नहीं किसका था। अरे क्या हो गया सिंचैन, क्या बात है, डर क्यों रहा है, क्या बात है बता मुझे, घबरा मत। भैया फोटो में तो कोई लड़की थी, बड़ी सुंदर, आपकी भाभी बनाऊंगा ऐसी थी। अरे फिर घबरा क्यों रहा है, फोन किसका था पूरा ये बताना। अरे भैया पता नहीं कौन था, एक लड़के की आवाज़ थी, वो कह रहा था कि लॉस सेंटर्स में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, यहाँ पर कुछ आसमान से पत्थर गिरने वाले हैं, वो भी आग के। रुक मैं नीचे आता हूँ, फिर सोचते क्या करना है। ठीक है आ जाओ आ जाओ। इंग्लिश भैया एक आइडिया है, चलो डोरीमोन के पास चलते हैं। हाँ यार बोल तो वैसे तू सही रहा है, डोरीमोन अब हमारी कुछ मदद कर सकता है। फ्रैंकलिन भैया क्या आज मैं प्लीज ड्राइव कर सकता हूँ प्लीज? अभी तो कैसी बात कर रहा है यार सिंचैन, अभी तो उसे 5 साल का है यार, कैसी बातें कर रहा है। भैया लेकिन मुझे चलानी आती है, आप चिंता मत करो, प्लीज़ मुझे चलाने दो ना, मैं गाड़ी को कहीं नहीं ठोकूंगा, पक्का भैया। अरे गाड़ी की दिक्कत नहीं है सिंचैन, दिक्कत तेरी है, तुझे कुछ ना हो जाए गाड़ी तो दूसरी आ जाएगी। ओह भैया आपकी मेरी इतनी फिक्र है, मैं तो आपको जानवर समझता था पर आप तो इंसान निकले। अरे यार तू पागल है क्या सिंचैन, हमेशा मेरी बेइज्जती करता रहता है, अब नहीं दूंगा तुझे गाड़ी, जा। सॉरी भैया मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो मेरे प्यारे भैया, छोटे भैया सॉरी बड़े भैया, प्लीज चलाने दो ना भैया। चल ठीक है चला ले, आज चलाने दे रहा हूँ, लेकिन सीट बेल्ट पहन लियो सिंचैन प्लीज। आप उसकी फिक्र मत करो, वो मैं पहन लूंगा। चलो आप गाड़ी में बैठो जल्दी से मेरे साथ। चला फिर सिंचैन, आराम से चलाइयो। अरे तूने मेरी बाइक गिरा दी यार सिंचैन, कैसे चला रहा है तू? सॉरी भैया गलती से ठक गई थी, आई एम सो सॉरी। चल कोई नहीं यार, लेकिन आराम से ड्राइव करियो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, क्या होता है एकदम टट्टी जैसा सनम। अरे यार तू इतने सही गाने की ऐसी तैसी क्यों मार देता है, क्या करता है यार सिंचैन तू भी। नहीं गाइस मतलब देख रहे हो इसकी चला के, देख रहे हो इसकी मतलब गाना सही गाता हुआ एकदम खराब कर देगा उस गाने को पूरा। आप तो रहने दो भैया, ये लोग मेरे दीवाने हैं और मेरे गाने के भी, क्यों गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस मेरे गाने के लिए 1 लाख तो बनता है ना, क्यों? और हाँ मेरे कैनाल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अरे शिक्षक तुझे 10,000 बार समझा रखा है, कैनाल नहीं चैनल होता है, वो कैनाल क्या होता है? बेची सामने वाली गाड़ी बड़ी अच्छी है भैया, आप इसके टायर के नीचे आ जाओ ना। अरे शिक्षक पागल हो गए, कैसी बात करते है, चुपचाप गाड़ी चला ले तू, पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लग गया फालतू की। अरे भैया मैं तो भी बच्चा हूँ ना, तो आप मुझे डांटो मत, मैं छोटा सा बच्चा हूँ। हाँ गाड़ी चलाने के लिए बच्चा नहीं है तू, वैसे तू छोटा बच्चा डांट खाने के लिए। अब इतना भी कुछ खास नहीं।
वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी सिंचन, ड्राइविंग तो तूने अच्छी करी आज। क्योंकि मुझे चलानी आती है, आपकी तरह नहीं हूँ। क्या यार सिंचन, तू फिर शुरू हो गया यार मेरी बेइज्जती करना। अरे मैं तो बस छोटा सा मजाक कर रहा था, चलो मेरे पीछे चलते हैं डोरीमोन के पास। अरे डोरीमोन डोरीमोन देखो मैं आया हूँ सिंचन। अरे ये तो नाच रहे हैं दोनों, लगता है इन्हें कुछ पता ही नहीं है फ्रैंकलिन भैया। हाँ यार लगता है मुझे भी कुछ ऐसे ही रहा है, इन लोगों को कुछ पता नहीं है शायद, लगता है ना बताना पड़ेगा जल्दी। अरे भैया डोरीमोन तो मेरी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहा है, क्या करूँ मैं, इसकी चूटी काटूँ क्या, एक ये सुधर जाएगा। छोड़ ना सिंचन, तू ज़्यादा मत बोल इन लोगों से, इन लोग पर जब बीतेगी तभी ना पता चलेगा हम सच बोल रहे थे। अरे फ्रैंकलिन भैया सर अपने पीछे देखो, इन लोगों को अभी भी हमारी बातें मजाक ही लग रही है। चलो छोड़ो अब हम इनसे कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ छोड़ यार सिंचन, जब इन्हें खुद डर नहीं लग रहा तो हम इनकी फिक्र क्यों करें, हम चलते हैं यहाँ से, चल कुछ सोचते क्या करना। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या हो गया जरा देखना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मेरे साथ रहो आप, प्लीज़ भैया। अरे हाँ सिंचन तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। अरे सिंचन तुम तो सच बोल रहे थे, ये तो सच में आसमान से गोली गिर रहे हैं, वो भी हाँक के। मैं तो इतनी देर से बोले थे, लगता है नीले रंग के रकून डॉग को अब समझ आया। मैं कोई रकून डॉग नहीं हूँ, मैं एक रोबोट हूँ, मेरा नाम डोरीमोन है। अरे तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो यार, कुछ सोचो अब करना क्या है यहाँ पर। डोरेमोन क्या हम मर जाएंगे सारे? अरे नहीं नोबिता तू चिंता मत कर, मैं कुछ सोच रहा हूँ अभी। अरे गाइस सारे मेरे पीछे आओ, मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करते हैं हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं। अरे 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 सिंचन आराम से आराम से आराम से। फ्रैंकलिन भैया मैं ड्राइव करूँगा। क्या सिंचन ड्राइव करेगा? अरे फिर तो हम सब गए। मुझे ड्राइव करना आती है और वैसे भी रकून डॉग को अलाउड नहीं है गाड़ी में बैठना। अरे मैं कोई रकून डॉग नहीं हूँ, मैं डोरीमोन हूँ, रोबोट हूँ मैं। दोनों लड़ना बंद करो और चलो यहाँ से जल्दी से। ठीक है फ्रैंकलिन भैया मैं चलता हूँ। अरे यहाँ पे तो पत्थर आ गया है, अब मैं क्या करूँ। ओह चलो यहाँ से चलता हूँ, चल मेरी गाड़ी टन टन टन, चल मेरी गाड़ी टन टन टन, चल मेरी गाड़ी टट्टी कराऊंगा। अरे तू क्या बोलता रहता है यार सिंचन, चुपचाप गाड़ी चला ले, गाने की सत्यानाश कर देता तू। फ्रैंकलिन भैया मैं इतना भी कुछ खास नहीं। डोरीमोन मुझे डर लग रहा है, क्या हम बच पाएंगे या मर जाएंगे? अरे नोबिता चिंता मत कर, हम सब बच जाएंगे, बस हमें एयरपोर्ट पहुंचने कैसे भी। वैसे डोरीमोन तुम्हारा एनीवेयर डोर कहाँ पर है? अरे फ्रैंकलिन भैया एनीवेयर डोर मैंने मीचन को दे दिया, उसे जरूरत थी, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। और सिंचन प्लीज तू सही चला गाड़ी, बहुत ज्यादा डर लग रहा है हम सबको। मैं रकून डॉग से बात नहीं करता। मैंने कहा ना मैं कोई रकून डॉग नहीं हूँ। अरे सिंचन संभाल के। अरे सिंचन बाहर गिर गया, अंदर हो, लगी तो नहीं सिंचन तेरे? अरे भैया मैं तो एकदम ठीक हूँ, लगता है रकून डॉग ने मुझे गालियाँ दी हैं इसलिए मैं गिर गया उसकी बदबू से। मैं कोई रकून डॉग नहीं हूँ, चुपचाप गाड़ी चला ले सिंचन। रकून डॉग बल्ली बल्ली ती शावा शावा पियो ती कव कव बल्ली बल्ली शावा शावा सपना टूटा सुसु आ रही है सपने में मेरे को और मैं टट्टी करूँगा। सिंचन यहाँ मौसम तो एकदम सही हो गया और नोबिता भाग भी रहा है, देख आगे नोबिता भाग रहा है, चलो उसके पास गाड़ी लेकर चल जल्दी से, पूछते हैं क्यों भाग रहा है। ठीक है भैया अभी ले जाता हूँ। डोरीमोन मैं तो बच गया, मैं तो भागूंगा, खूब भागूंगा। चल ठीक है नोबिता तू भाग ले आराम से, सिंचन तू घुमा ले गाड़ी, कोई बात नहीं नोबिता को भागने दे, हम आराम से दूसरी साइड चलते हैं। ओके भैया अभी घुमाता हूँ, लोग घुमा ली मैंने तो, अब कहाँ जाऊँ, चलो सीधे चलता हूँ। अरे ये रकून डॉग तो सो गया लगता है। मैं कोई रकून डॉग नहीं हूँ, बोला ना मैंने एक बार। अरे रकून डॉग तो उठ गया। चल सिंचन यही रोक ले, कुछ बात बात कर लेते हैं। ठीक है भैया लो उतर गया मैं तो, आप भी उतर जाओ जल्दी से। भैया मौसम तो एकदम अच्छा हो गया, बड़ा ही मज़ा आएगा यहाँ तो। हाँ यार सिंचन एकदम सही है, अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम अपने लॉस सैंटोस में ही रहेंगे। और तू बता कुछ कहना है तुझे इन लोगों से, कुछ या नहीं कहना आज, कुछ कहना है तो बोल दे, रुका क्यों है, आराम से कह बेझिझक, तेरी तो सारी बातें मानते हैं लोग, कह दे क्या कहना। हाँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और मेरे गाने के लिए कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मैं आता रहूँगा वीडियो भी हमेशा। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का मेरे बिना मन नहीं लगेगा,
थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए, कर दो ना लाइक और सब्सक्राइब भी और कमेंट भी। बस बाय।